अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और साथ ही गुड मॉर्निंग। वन वीक के बाद आज लेट सुबह हुई है क्योंकि आज सैटरडे और सैटरडे वाले दिन कॉलेज की छुट्टी होती है। और यार आई एम सो एक्साइटेड, बट मैं बताऊंगा नहीं कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा। और ये मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, उन लोगों को तो पता है कि मैं किस वजह से इतना एक्साइटेड हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, मैं जाने वाला हूँ इस्लामाबाद टूर पर, तो आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है मेरे व्लॉग में। तो अगर अभी तक शेबी सईद व्लॉग एंजॉय नहीं किया आप लोगों ने, तो जल्दी से कर लें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी ठोक दें। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। मैं फेस वॉश वगैरह करके व्लॉग अपलोड करने के लिए बैठ गया था, व्लॉग अपलोड कर दिया। अब कर रहा हूँ जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ। वीडियो अपलोड कर दिया है और आप लोग जाके देखें, एंजॉय करें, क्योंकि ये व्लॉग जो अपलोड किया है ये उज़ैर बलोच के साथ बनाया था। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती मजाक किया। मैं जा रहा हूँ शॉप, शॉप से आते साथ ही नाश्ता आ चुका है मेरा, जिसमें है पूड़ी और चाय। अब करते हैं जल्दी से नाश्ता, फिर टेरिस पर जाऊंगा। आयशा भी आई हुई है उसके साथ तोते लोगों को देखने। नाश्ता करके फारिग हो चुका हूँ, आयशा के साथ जा रहा हूँ ऊपर टेरिस पर। आयशा चलो 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 टेरिस चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे रूम का लाइट तो ऑफ करने दो आयशा, रूम का लाइट ऑफ कर दिया। तो हम लोग टेरिस पर आ चुके हैं और आयशा मेरे साथ लाजमी आती है जब मैं टेरिस पर आता हूँ। जयान भी घर पे आया हुआ है, लेकिन अभी वो थोड़ा मस्ती कर रहा था, इस वजह से उसको मैं लेकर नहीं आया। जल्दी वाला काम करती है पूरा। हेलो हेलो, आज सब इतना ख़राब आवाज़ तो मामू का भी नहीं है जितना आपका है। चलो हम लोग तोता देखते, तोता क्या कर रहा है। तोते 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 ये जो इतने सारे देखो मामू, कितने सारे लेकर आए, कितने सारे आयशा, मैंने इतने सारे 7 है। तुम्हारा गिनती सही नहीं है। चलो इन लोगों के पास खाना पड़ा हुआ, हम लोग चलते हैं आयशा नीचे। रुक जाइए मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि आयशा को लाजमी नहीं चलेगा जाना होता है, क्योंकि ये मस्ती करती है, गिर गिर आ गई तो इसकी मामा मेरा सर फाड़ देंगी। टेरिस से आ चुके आयशा और मैं, और ये दिन ब दिन जितना बड़ा हो रहा उतना मस्ती करता, बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही है आजकल। ध्यान में देखो कौन मस्ती कर रही है, इसकी मस्ती देखिए। इधर मुंह कसो, ये क्यों लेकर आई आप ऊपर से? इसको जाके रखिए जगह पे, जल्दी जल्दी से रख कर आइए इसको। ये जितना मेरे साथ रहती है उतना ये डरती भी, अगर इसको एक बात बोलो ना तो ये फौरन जाती है। अभी ये रूम से जा चुकी है सामान अपने जगह पर रखने के लिए, और ये जयान मेरे साथ है, सिर्फ मस्ती करता है ये। आयशा को कुछ बोलना था तो आयशा कुछ बोलेगी, जल्दी से बोलो, मुझे बोल रही, तो मैंने बोला चलो कैमरा ऑन करता हूँ, ये आप लोगों के सामने बोले, बोलो हाय। कैमरे के सामने मामू का बाल छोड़ो, कैमरे के सामने ही नहीं बोली इसका, इसको बोलना ये है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, अभी इतनी सी है और इसको यूट्यूबर बनना है। इसको यूट्यूबर बनना है, इसको अपना चैनल बनाना है, छोटी सी है इतनी सी है, क्या यूट्यूबर बनेगी। लाइक करें, बस इसको अपने चैनल में बोलना लाइक करें और शेयर करें। इसको सही से बात करना आता है नहीं आता है? अब ये जिस दिन घर पर आती है उस दिन सारे दिन मेरे साथ होती है। अब मैं जा रहा हूँ वापसी दोस्तों के पास, उनसे कुछ काम वगैरह, तो आयशा मामू जा रहे हैं। ठीक है टाटा। आप लोगों को एक पोयम सुनाएगी आयशा, जल्दी से एक पोयम सुना दे। पोयम कोई सी भी, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, हाउ आई वाइट आउट।
इसने क्या बोला मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, ना आप लोगों को भी कुछ समझ आया कुछ कुछ भी मुझे समझ नहीं आया। मामू जा रहे, इतना टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इसको पोयम सुनाना। दोस्त लोगों के पास से आ गया था, अभी मुझे जाना है क्लिनिक मामा को लेकर, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो जा रहा हूँ क्लिनिक। आयशा इधर आओ, आयशा इधर आओ, इधर ये रो रही है। अब इसको घर जाना, काफी देर से आई हुई है, थक गई है क्योंकि इसकी मामा नहीं आई थी इसके साथ। कहाँ जाना आयशा को? मम्मा पास जाना है, अब ये नहीं रहेगी मेरे पास, अब इसको इसकी मम्मा के पास जाना, अभी चाचू आएंगे चले जाना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी मामा को पहले क्लिनिक लेकर, अभी यहाँ से मेडिसिन ले रहा हूँ मामा के लिए। मेडिसिन ले लिया था, यहाँ इंजेक्शन तैयार हो रहा है क्योंकि मामा को ड्रिप लगेगा। आप लोग दुआ करें मेरी मामा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। अभी क्लिनिक से आया हूँ, अब मैं भी खाना वगैरह खा लूँ क्योंकि मैं भी कुछ नहीं खाया हूँ, और मामा को अभी खाना वगैरह देकर आराम करने के लिए लिटाया है। और सिस्टर ने ऑर्डर कर दिया था जिंगर बर्गर, तो अभी वो आ रहा है, जिंगर बर्गर मेरा फेवरेट है। जब जिंगर बर्गर आता है तो डबल ही भूख लग जाती है, सिस्टर ने एक अच्छा काम किया है कि जिंगर बर्गर ऑर्डर कर दिया। मजा आया, खाना खा के आ चुका हूँ मैं अपने रूम में। आप लोग दुआ करें मेरी मामा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, उनको शुगर है और बीपी है, इस वजह से आप लोगों को पता है शुगर पेशेंट जो होते हैं और बीपी वाले, इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो आप लोग दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो अब मैं भी जा रहा हूँ अपना काम करने, मुझे सोना था, मैंने कहा था कि एक दो घंटे सो जाऊँगा फिर उठ के काम करूँगा 12 बजे तक, लेकिन क्लिनिक वगैरह जाना था इस वजह से मैं नहीं सो पाया। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें आप लोग मेरे चैनल को। आज मैं काफ़ी सुस्त आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, जब मामा की तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग कर दें, सपोर्ट करें, ऐसी दुआओं में याद रखें मेरी मामा के लिए, बहुत सारी दुआ करें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।